शांति। आज 9 जनवरी 2022 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख है 21 दिसंबर 1989। मुरली का सार है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती कि वाह रचता, और रचता सदा यह गीत गाते वाह मेरी रचना। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कभी वर्षे के रूप में वा बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं, इस भाग्य का नशा रहेगा। सद्गुरु हर कदम में वरदानों से चल रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सद्गुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है, गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति कहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जिवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है, भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा। यह दिलासे का सौदा नहीं है, तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है, और होता भी था, तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं
रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो नहीं सकता, कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, वा संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या करता है? एक तो शेकिंग यानी हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है और यह आत्मा की स्थिति हिलती है। मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है, यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है, यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया? यह जोश है, अनुभवी तो होना। और क्या होता है? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती? कमजोरी आ जाती है, यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है। इसलिए न फेल हो न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। मेहनत अच्छी लगती है वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती वह मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बिगर और कोई काम अच्छा नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहाँ यह सब बातें भूल जाएगी। मजा तो अभी है, दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है? कितने जन्म की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई, कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्त माला में आप हो, जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो? डबल फॉरेनर्स भक्त माला में थे, भक्त बने या भक्त माला में थे? अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे। पुजारी तो बने, लेकिन भक्त माला में थे? भक्त माला अलग है। आप तो ज्ञानी सो भक्त बने।
वह है ही भक्त। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर भक्त है ऐसे नोधा भक्त, जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वह नोधा भक्त है और आप नोधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा ममता के संस्कार होंगे, मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, यह संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी है और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार है, इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भी कोई जगह दो ना, दोनों में आप आएंगे क्या? उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है, उन्हों को भी गायन माला में आना ही है। फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं, और तरफ तो बुद्धि नहीं है, बाप के तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है, गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ टैचू बना के रखते ही गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो, पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती, ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन, औरों को भी वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक और सद्गुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। पंजाब राजस्थान ग्रुप से, सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले, वह जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं, लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे, व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे, वह तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गवाया, सब कुछ गवा दिया ना, तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं, तो तन भी गवाया, मन का सुख शांति भी गवाया, धन भी गवाया। आपके पास कितना धन था, अथाह धन कहाँ गया, व्यर्थ में गवा दिया। अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो? होली हंस गवाने वाला नहीं, जमा करने वाला। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है, अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहाँ रत्नों से तो खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है, अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है।
अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है, तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता? अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना? संगम का एक सेकेंड कितना बड़ा है, कहने में तो आएगा एक दो सेकेंड ही तो गया, लेकिन एक सेकेंड कितना बड़ा है यह याद रहे तो एक सेकेंड भी नहीं गवाएंगे। सेकेंड गवाना माना वर्ष गवाना। संगम के एक सेकेंड का इतना महत्व है, तो जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गवाना या होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है, तो होली हंस अर्थात स्वप्न में संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकेंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो ना? पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकेंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा, योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ। इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया, असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है? अभी का है ना? तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने को कर लिया है ना, या अपने भी कर रहे हो? अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना? ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती, वहाँ रेत बहुत है ना। सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात पीछे है। तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमटांश प्रमाण एक गली से दूसरी गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे। तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। अच्छा, आज का वरदान है चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। विश्लेषण है, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। आज का स्लोगन है, जो एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। जो एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। आज के योग अभ्यास की पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो।
यह परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति वा माया की हलचल आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।